हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाजी रीता ब्लॉग। फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह उठ कर के खाना वगैरह बना ली हूँ और सैटरडे मॉर्निंग में तो ये सारे सब चीज़ मैंने बना लिए थे। तो ईशा के पापा खाना लेके नहीं गए और ईशा लेके गए सिर्फ। तो ये कुछ मछलियाँ वगैरह भूंज रही थी मैं। और संडे मॉर्निंग में जैसे हम लोग का रेगुलर जो खाना बनता है उससे थोड़ा सा हट कर के मैंने बनाए हुए थे वो बॉम्बे डक फिश, और ये सब्जियां के साथ साथ फल भी लेके आए हैं। ईशा के पापा बहुत सारा सब्जियां लेके आए हैं, साथ में बच्चों के खाने की भी सब्जियां अलग से लेके आए हैं, और हमारे लिए तो फिश वगैरह रात में आता है। तो ये बेबी लोगों को मैं फूल तोड़ के देती हूँ, बहुत फूल खिलते हैं और ये फूल बड़े मज़े से खाते हैं। तो कुछ कुछ सब्जियाँ जो है वो बैठा कर बच्चों को देखना या कपड़े उतार के ले आना छत से, ये सब मैं करती हूँ। और उसके बाद में जो समय मिल जाता है तो उसमें वीडियो एडिटिंग का भी काम रहता है, तो हल्का फुल्का काम वो भी कर लेती हूँ। अभी बहुत गर्म पड़ रहा है और बारिश अभी नहीं हो रही है, लगभग 3 दिन 4 दिन के बाद बाद बारिश हो रही है, तो इसलिए गर्मी बहुत तेज़ है। और ये जो चिपचिपाहट वाली गर्मी है बहुत ख़तरनाक है, अभी स्किन में भी पूरे छोटे छोटे पिंपल्स आ रहे हैं, पसीने से तर हो जा रही हूँ मैं। रात का ब्लॉग है, इसमें मैंने चावल को कुछ फ्राई कर लिए हैं और पनीर की सब्जी बहुत सारी थी तो मैंने रात में बस यही चीज़ दोनों बनाए हैं आइटम। और ये आज संडे मॉर्निंग का है, संडे मॉर्निंग को मैंने मिक्स वेज बनाए हैं, बहुत सारे सब्जियां इकट्ठे करके काटी हूँ, बराबर इक्वल रेशियो में काट के फिर उसको मैंने बनाए हैं। देखिए, मंकी बहुत परेशान कर रही थी, तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो मन ख़राब करता है कि उनको मैं रोटी दूँ, तो इसलिए रोटी दे रही थी मेरी बेटी। और उसके बाद में लगभग 20-25 आए हैं और एक मंकी के तो पैर में बहुत बड़ा सा होल हो गया है, मैंने फोड़ा जैसे टाइप का और वो उसमें से मवाद गिर रहा था, तो कुछ दवाई लगा दूं ऐसा उपाय नहीं था। मैं ये सब देखती हूँ तो मैं थोड़ा हल्दी छिड़क देती हूँ, लेकिन ये बड़ी मंकी है और उसको लगाना बहुत मुश्किल है, तो ईश्वर की दया से वो ठीक हो जाए। और उसका पाँव जो है बहुत फूला हुआ, स्वेलिंग था, तो बैठा बैठा के रोटी खिला रही थी मैं सुबह उठकर। तो ये सब थोड़ा सा टाइम पास भी हो गया। उसके बाद में जो संडे मॉर्निंग में जो बाजार लेके आए थे वो इतना सारा था, नींबू वगैरह है, ये केला वगैरह, ये केला वगैरह तो सब लोग निकाल के अपने अपना तोड़ के खा लेते हैं, लेकिन नींबू वगैरह ये सब काटना बहुत मुश्किल होता है। और इसके बाद में मैं मिक्स वेज की जो कटिंग हो रही है ये सब मैं काट रही हूँ, और थोड़ा सा आजकल मेरे को टाइम लगता है क्योंकि उस पहली वाली उंगली जो है वो बहुत दर्द रहता है मुझे, तो यही सब मैं काम कंप्लीट करके फिर सब्जी बैठाऊँगी करके चली जाती हूँ। सब्जियाँ भी लगभग बुधवार तक, जो सब्जियाँ लेके आए हैं बुधवार तक आराम से चल जाएंगे, बहुत सारी सब्जियाँ हैं इसमें। तो कुछ फूलगोभी भी लेके आए हैं, नया नया फूलगोभी अभी खाने बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, मैंने रोटी बनाया हुआ था, बहुत सारी रोटी बनाई है मैंने, सब संडे है तो ईशा के पापा, ईशा, मैं तीनों लोगों ने हम लोग रोटियां खा ली। और उसके बाद मंकी को 2-3 रोटियां जो थी वो सब तोड़ तोड़ के मेरी बेटी दे दी। तो ये कुलमी भाजी है और ये कुलमी भाजी को हम लोग इसको सिर्फ सूखी मिर्ची से फ्राई करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मंकी तो लगभग 15-20 दिन के बाद बाद आते हैं, बहुत मंकी लोगों ने परेशान कर रखा होता है, गुलाब तो छत पे होने नहीं देते हैं, मिर्चियाँ उनके पत्ते सारे खा जाते हैं, तो इस तरह पेड़ पौधे उखाड़ देते हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादा शरारत करते हैं, तो भिंडी वगैरह या सेम वगैरह लगाने से ये लोग कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, पत्ते तक भी खा जाते हैं, कुछ तो पेड़ उखाड़ देते हैं। तो मैंने जो पॉम-पॉम के जो पौधे लगाए हैं उसकी कटिंग से लोग, छोटे बच्चे लोगों ने छत पे जाके बहुत तहलका मचाया है, पूरा खराब कर दिया है, तो फिर से वापस लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग में से जो भी नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में रखा बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो डालते ही पहला जो आपके पास। बाय बाय फ्रेंड्स।